और हम पेट्रोल जो है दुबई से सस्ता बेच रहे हैं। कमाल देखो। आखिरी बात जो आपको शायद पसंद ना आए, मैं करके जाऊंगा, वो मेरी सीसी को भी पसंद नहीं आई थी। हमारी पार्टी का इजलास था सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का, उधर तीन आइटम थे एजेंडे पे, एक था पॉलिटिकल सिचुएशन, एक था लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन, एक था इकोनॉमिक सिचुएशन। जब मैं इकोनॉमिक सिचुएशन पे आया तो मैं सीसी वालों को भी ऐसे ही वार्न किया जैसे आपको कह रहा हूँ कि आपको मेरी बात पसंद नहीं आएगी। तो मैंने सीसी के मेम्बरान को कहा कि अगर मेरे इख्तियार में होता, अगर मेरे पास इख्तियार होता, तो मैं आज पेट्रोल की कीमत 500 रुपये लीटर करता। ये मैंने बात की थी 2 महीने पहले, 500 रुपया लीटर करता। सुबह निकल के देखता अपने घर से बाहर लाहौर में, अगर ट्रैफिक कम ना हुई होती और उसी तरह होती ट्रैफिक, तो मैं 600 कर देता पेट्रोल की कीमत। बिजली की कीमत 300 यूनिट जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसको छोड़कर मैं 100 रुपया यूनिट करता। अगर 100 रुपया यूनिट करेंगे आप, तो आपका सर्कुलर डेट रुकेगा और ये शैंडलियर्स बंद हो जाएंगे। अभी शैंडलियर्स ऑन है ना, ये 100 रुपया यूनिट हो तो बंद हो जाएंगे। और इसी तरह गैस की प्राइस मैंने कहा मैं 10 गुना बढ़ा देता, तो वो सारे एक दूसरे को देख रहे थे जैसे आप भी आप एक दूसरे को देख रहे हैं कि क्या क्या रहा है भाई। मुल्क बचाना है, ये मुल्क नहीं बचेगा अगर हमारे लीडर्स आपको देख के सियासत करते रहे, आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक सियासत करते रहे, ये मुल्क नहीं बचेगा। लीडर को अपने गिरेबान में देखना होगा।